गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना में मैं कामिनी खन्ना आपको सुबह सुबह एक बार फिर शुभकामनाएं देने के लिए। आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आपके सारे काम बन जाएं, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएं। मैं चाहती हूँ आपकी उन्नति हो, आप भरपूर ऐश्वर्य आरोग्य संपदा सब कुछ देखें, सारे सुख देखें। अब देखिए, मैं सुबह सुबह आपको शुभकामनाएं जब देती हूँ तो थोड़ा सा स्वार्थ रखती हूँ, कैसे समझिए। इस बार जैसे फेसबुक पे मैंने जब कई सारी शुभकामनाएं दी और लोगों से इतनी सारी शुभकामनाएं मुझे वापस मिल गई। अब ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को शुभकामनाएं देता है पूरे जी जान से दिल से, और बदले में उसको कितने लोगों की शुभकामनाएं मिलती है, ढेर सारे लोगों की शुभकामनाएं मिलती है। तो ये थोड़ा सा स्वार्थ तो हुआ, लेकिन आपके चेहरे पे भी तो स्माइल आई। आप जब दूसरों को दुआएं देते हैं तो आपको भी तो लगता है कि आप एक बहुत ही विशाल हृदय व्यक्ति हैं, जो कि संकुचित संकीर्ण विचार नहीं रखते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आप किसी को दुआ देते हो तो उसका मन भी प्रसन्न हो जाता है, वो भी सामने से बोल सकता है आपको कि गॉड ब्लेस यू, आपका भी बहुत अच्छा हो, सेम टू यू। तो ये करके देखिए, जब आप लोगों को दुआएं देते जाएंगे तो दुआओं का ताता बनते जाएगा, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और फिर सृष्टि में एक दूसरे की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है। सरकार, आपको मालूम है कई सारे बीमार व्यक्ति सिर्फ दुआओं से ही ठीक हो जाते हैं। इसीलिए मैंने BWA प्रार्थना ग्रुप के लिए भी फेसबुक पर काफी रिक्वेस्ट डाली थी और आप लोगों से कहा था कि मेरा जो फेसबुक पर BWA प्रार्थना ग्रुप है उस पर आप सभी एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। दुआ में एक ऐसी शक्ति होती है जो दवा में नहीं होती। तो चलिए आज से हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। अगर एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को दुआ दे तो बहुत सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति को दुआ देंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।